आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब हुआ कि किस टाइप के सब्जेक्ट के साथ किस टाइप का वर्ब हम यूज करेंगे। पीपल, पीपल एक ऐसा वर्ड है जो कि एक कह सकते हो आप कि ये प्लूरलिस्टिक है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो पीपल के साथ एस या ई एस नहीं लगने के बावजूद भी इसके साथ वर या आर या हैव ऐसे प्लूरल वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको पता चल जाए कि कैसे आप पहचानेंगे कि वर्ब सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है। अब देखिए, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल कैसे होते, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, मेन वर्ब में जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, यानी V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। V5 मीन्स जब वर्ब में S या ES जुड़ जाए, वर्ब में S या ES जुड़ जाए तो वो बन जाता है सिंगुलर। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें कब प्लूरल वर्ब लगाना है और कब सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले रूल की बात करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। पहला है सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ही सिंगुलर है, इसके साथ भी हम इज का वॉज का यूज करेंगे। देखिए, तो हम जान लेते हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जैसे इज हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, हैज़, ये सभी क्या हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं। ये बी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। बी वर्ब में हालांकि इज, एम, आर, वॉज, वर इतने आते हैं बी वर्ब में, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। आर और वर प्लूरल हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं, इसीलिए उनकी हम बात नहीं करते, हमारी सिर्फ बात इस पे हो रही है कि सिंगुलर कौन से हैं। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों के एग्जांपल हम लास्ट में एक साथ देख लेंगे। देखिए, जैसे सिंगुलर की बात करें, ही प्लेज ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया जो कि सिंगुलर होता है, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल, ओके।
और अगर प्लूरल की बात करें दे प्ले फुटबॉल, तो प्ले वी वन होता है जो कि प्लूरल है, ठीक। और दे भी प्लूरल होता है, ही भी प्लूरल होता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वी वन वी टू वी थ्री वी फोर भी, आप वी फोर तो वैसे इज एम आर वॉज वर्ब के साथ लगता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखो तो इसमें आप वी टू भी लगाते हो वो भी प्लूरल होता है, वी थ्री आप जब लगाते हो तो हैज़ हैव या हैड का यूज़ करना पड़ता है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। तो आपको एक तरीके से देखा जाए तो वी टू तक, लेकिन वी टू में भी आप देखो तो डिड का यूज़ होता है जिसमें कि सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, तो वी टू भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ वी वन ले रखा था कि वी वन प्लूरल को शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सिर्फ वी वन ले रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों के मन में आएगा कि अगर वी वन सिंगुलर है वी फाइव प्लूरल है, सॉरी वी वन प्लूरल है और वी फाइव सिंगुलर है तो बाकी के जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो क्या कहलाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इन शॉर्ट। तो समझ आई बात, तो ये प्लूरल है इसके साथ प्लूरल का यूज़ किया है, और ये सॉरी और ये सिंगुलर है तो इसके साथ हमने सिंगुलर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी एक कोशिश करके देखें, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे राइट का फॉर्म यूज़ करना है प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या यूज़ करेंगे, आई होप कि आपसे बन गया, ठीक है। एनीवन समवन समबडी एनीबडी टाइप के जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन दिखते हैं उन सबके साथ क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, एनीवन Anyone tries to leave is dead. Okay, tries. This is verb first, verb fifth form. That means it's a singular verb. Thoda danger sentence hai. Anyone tries to leave is dead. That's mean koi bhi agar यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वो मारा जाता है। हाँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रहिए। एनीवन ट्राइज टू लिव इज़ डेड, ट्राइज जो वर्ड है ये वर्ब फिफ्थ फॉर्म है, एस या ई एस इसमें लगा हुआ है जिसकी वजह से ये सिंगुलर वर्ब हो गया। एनीवन इनडेफिनिट प्रोनाउन है और इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, अंडरस्टूड। आप खुद से जरा एग्जांपल एक करें, क्या लगाना पसंद करेंगे, इज या आर इसके बीच में, इज या आर क्या सुटेबल पड़ेगा आपको, आप चूज कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो गया है, वैसे समवन इनडेफिनिट इसके साथ सिंगुलर, अब इसमें सिंगुलर आपको ढूंढने में दिक्कत है नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिंगुलर वर्ब होते क्या हैं, आपके पास लिस्ट होगी तो आप उसके साथ इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अ प्राइड ऑफ लैंड इज अ कलेक्टिव नाउन, व्हाट डज इट मीन, प्राइड ऑफ लैंड मीन्स शेरों का झुंड, कलेक्टिव नाउन and this is singular verb as I have told you before. तो collective noun के साथ singular verb का use करना, did you get it? So you have to make it
I'm just giving you an example and you have to make it. A bunch of keys. अब आपको यूज़ करना है वॉज या वर, आप क्या लगाना पसंद करेंगे इसमें, वॉज या वर। ध्यान रखना है कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन है तो समझ गए आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं, थर्ड रूल ख़त्म होता है कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। मुझे लगता है कि बेहद आसान तरीका होगा आपका समझने के लिए। सो इफ़ यू सी देन, जैसा मैंने कहा था प्लूरल वर्ड के साथ, ऐसा वर्ड जो कि ऑलरेडी प्लूरल में हो, उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, वो ऑलरेडी प्लूरल में होता है, उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन में आप देखो हेयर एंड एट्सेट्रा, ये अनकाउंटेबल हो जाते हैं, अनकाउंटेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल की बात नहीं करते, ये काउंटेबल होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल होता है और फिर एक वर्ड होता है जो कि ऑलरेडी प्लूरल में ही होता है, वो सिंगुलर में नहीं होता है, तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था हेयर, हेयर इज ब्लैक, है ना। अब हम इसमें कुछ लगा दें हम क्वालिफाइंग वर्ड, योर हेयर इज ब्लैक। हेयर अनकाउंटेबल नाउन, इज सिंगुलर वर्ब। सुगर वेज 2 kgs, वेज सिंगुलर वर्ब, सुगर अनकाउंटेबल। डिड यू गेट इट। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन आते हैं उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, समझ में आएगा। चलिए सिक्स्थ, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, प्लस प्लूरल वर्ब। फॉर मोर देन वन इन सब्जेक्ट पार्ट, यूज प्लूरल। Okay, listen. So, example, Ram and Shyam were running. Then, Ram and Shyam, subject one, subject two, is connected with and. So, Ram and Shyam, they together become plural. Don't you think so? They are more than one together. So that's why we can say that they are plural, and that's why we are using a plural verb. It's a simple thing. And you can understand by yourself also. Then, agar subject jo hai wo plural banta hai, kisi bhi wajah se plural agar ban jata hai, to वर्ब भी प्लूरल ही होगा, समझ में आई बात। अब देखिए इसको मैं वैसे तो अलग से बताने वाली कोई चीज़ है नहीं है,
जब पहले ही बोला था कि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब रहेगा, ये पूरा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा मिलकर क्या हो गया, प्लूरल बन गया, और इसलिए हम इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। इसमें कुछ भी अलग से सेंस नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो अगला एक एग्जांपल देते हैं, ही एंड आई, सो व्हाट इज़ द प्लूरल, आर, ऑफ कोर्स आर, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ओके आर। आपको ये नहीं सोचना है आई लग गया तो, ओ आई लग गया तो हम क्या करें क्या करें, नहीं, आपको देखना है कि ये दो हैं, दो के लिए आर ही यूज़ होगा। देखो एक से ज़्यादा हो गया यानी प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए हमको आर ही यूज़ करना है, और इसलिए यहाँ पर हमने आर यूज़ किया ना है, वो लगाना है। इसमें भी जो अगला मैं बताने वाला हूँ ये लास्ट है, लेकिन इसमें भी वही काम करना है आपको जो करते आ रहे हैं। इसमें भी आपको सेकंड वाले में ही चेंजेस करने होंगे सेकंड वाले के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, ईदर और अगर ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से सिंगुलर लगेगा, फिर अब इधर और या नीदर नॉर, देखिए इसको आइदर भी पढ़ते हैं नाइदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, नॉर मतलब समझना कि यहाँ जो रहेगा, यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर हमें सिंगुलर का यूज़ करना है, और प्लूरल है तो प्लूरल का यूज़ करना है, अंडरस्टूड। चलिए हम समझते हैं, दूसरा भी लिख लेते हैं एक ही साथ, आइदर और अगर यहाँ पर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। आइदर के साथ हम नाइदर को भी ले लेते हैं और के साथ नॉर को, ठीक है। अब एग्जांपल पे बात करते हैं, आइदर यू और आई एम अ बेगर, यू को अगर देखा जाए तो यू के साथ आर लगना चाहिए, लेकिन आई जो है वो हमारा सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला सब्जेक्ट का पोर्शन है, और इसलिए हम इसके हिसाब से हम एम का यूज़ कर रहे हैं। समझ में आई बात, नाइदर आई नॉर यू आर आर थीफ, ओके। अब देखिए यहाँ पर आई के साथ एम लगता है लेकिन एम नहीं आया है, क्यों, क्योंकि हमें यू के हिसाब से लगाना है, क्योंकि यू हमारा सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला पोर्शन है, और इसके साथ यू के साथ हम आर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यू के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ होता है, तो हम यू के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। समझ में आई बात, इतने रूल्स होते हैं। अब इसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना है, और एक बात मैं आपको खास बता दूँ, ये हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है, ये आपको टेट, यूपीएससी, जनरल कॉम्पिटिशन में जैसे एसएससी, बैंक, ये सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाएगा, और आपको इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 2 या 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे इतने टॉपिक को पढ़ने से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।